मैं समझता हूँ इससे इससे बड़ा लॉस इंडस्ट्री का नहीं हो सकता। मैंने मैंने लोग यहाँ एक्टरों को बादशाह कहते हैं, कोई कोई महानायक कहता है। मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी तमगा देना चाहो, कोई भी अवार्ड देना चाहो, जिसके हकदार सिर्फ यूसुफ भाई हैं, जिन्होंने ज्वार भाटा से लेके आज तक जितनी भी फिल्में की है, चुन चुन के फिल्में की, सो ये मैं तो अभी इनको ये भी कह सकता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा लॉस है। ये इन्होंने परफॉर्मेंस का नाम दिया है, एक्टर्स को एक्टिंग सिखाई है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ एक्टिंग है पूरी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्टर किसी न किसी तरह से इनसे सीखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इनसे चुराया है या कॉपी किया है, बट एक परछाई थी यूसुफ भाई की, जो मेला अंदाज, आन आज़ाद, मुगल आज़म, मधुमति, देवदास से लेकर अगर आप इवन रिसेंट तक आए तो मैं तो उनका लड़का बन चुका हूँ सौदागर में, वहाँ पर भी मैंने बहुत करीब से उनको देखा है और मुझे लगा है कि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो एक कंप्लीट शख्सियत थे, एक एक जीने का उनका तरीका था, बात करने का तरीका, मतलब लोगों से मिलने का तरीका, लोगों को आत्मीयता से बात करते थे। मतलब मैं उनके साथ कुल्लू मनाली में भी शूट किया और मैंने देखा है कि उनको नज़दीक से कि बातें करने का बहुत शौक, खाने का बहुत शौक, सो एक एक कंप्लीट जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को, जैसे तीन लोग थे, एक राज देव साहब और दिलीप कुमार, ये त्रिमूर्ति होते थे, उसमें से दो तो चले गए, अब ये लास्ट मूर्ति बची थी, इन तीनों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को खाया है, पिया है, सोया है, इनके साथ रहे, चाहे राज साहब हो, चाहे देवानंद साहब हो, चाहे देयर इज नो रिप्लेसमेंट ऑफ दिस त्रिमूर्ति। लोग आज के लोग कहते हैं मेहनत, मैं कहता हूँ मेहनत सीखो इनसे, कि एक एक डायलॉग नहीं छोड़ते, एक 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 उनकी मैंने सौदागर में मैंने रात रात भर देखी है, फ़ोन पे कहते थे इस सुभाष जी को, वो अमा तूने वो ए लिखे है तू, मैं ए कर रही हूँ 2:30 बजे रात को, और मैं ए करा बोला बस सो जाइए ना, मैं कल आपसे कर लूँगा। सर कौन करता आज का एक्टर, तो आई डोंट आई प्लेड हिज सन एंड आई विल ऑलवेज एडमायर्ड हिज परफॉर्मेंसेस। मतलब मुझे आज तक कभी नहीं लगा कि उनकी कोई भी फिल्म यूं ही बनी थी, क्योंकि एक साल में एक फिल्म। और जिस तरह सायरा बानो जी ने साथ दिया, उनके इतने अंत तक साथ दिया, वही बहुत बड़ी बात है। सायरा जी को तो मैं तो अभी मैंने अभी एक वीडियो डाली है, उनको तो मैंने सावित्री का दर्जा दे दिया है, जो सत्यवान के लिए यमराज से भिड़ गई थी। मैंने कहा आज कौन सा कपल है, सायरा जी ने एंड तक उन्हें नहीं जाने दिया, बार बार हॉस्पिटल गए, कहा अस्पताल गए हैं, मैं वेट करता था, मतलब बट अच्छी के वापस आ गए, मुझे लगा 100 टच कर जाएंगे। और जो सायरा जी ने उनका साथ दिया है कंधे पर खड़े होकर, जो उनके वीडियोस देखने को मिले हैं, जब लोग मिलने आते हैं और वो इतने प्यार से कहती है देखो देखो आपका बर्थडे है, कान में बोलती हैं, सिर को चूमती हैं जैसे एक माँ चूमती है, आई मीन ऐसा कपल, ऐसा ऐसा ऐसी त्याग, अपना करियर, पूरा करियर छोड़कर उन्होंने यूसुफ साहब से जब शादी की तो पूरा जीवन समर्पित किया। आई मीन हेड्स ऑफ टू सायरा जी ऑल्सो। मैं तो सोचता हूँ आज की इंडस्ट्री वाले जहाँ पर शादी से ज़्यादा तलाक होते हैं। और ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी उनको इतना इज्जत के साथ दिया और काफ़ी लोग आए इंडस्ट्री, शाहरुख आए, काफ़ी लोग आए उनके, आप इस समय में क्या कहना चाहेंगे, कितनी ज़रूरी था ये चीज़? हर मैं तो कहता हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैंने कहा सारे अवार्ड उनको दे देने चाहिए, क्योंकि उनके जो एक उनका जो इन फिल्म इंडस्ट्री को योगदान है वो किसी के लायक नहीं है। तो ये जितने भी एक्टर्स हैं, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, दे शुड, मैं नहीं जा सका, मैं फ्यूनरल में नहीं जा सका, तो मैं इसलिए अभी इनकी कब्र पर आया हूँ। मैं इनको सिर्फ एक नमस्कार करना चाहता था, इनको एक मेरी श्रद्धांजलि है इनको। तो बड़े बड़े कलाकार तो छोड़िए, मैं समझता हूँ इनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं था, और इन सारे कलाकारों को इनको होमेज देना चाहिए, सरकार को इनको इतना मान दिया और ये मान के लायक हैं। सो मैं समझता हूँ ऊपर वाला जहाँ भी रखे उनको, उनको अच्छी ज़िंदगी दे आगे, और सायरा जी को भी, उनके परिवार वालों को मैं समझता हूँ लड़ने की शक्ति दे, उनके अंदर जज्बा है, उनको उनको भी शांति प्रदान करें, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत की इनकी देखभाल की।